एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर फोर्थ फर्स्ट पार्ट 729 वी नीड टू फाइंड आउट द स्क्वायर रूट 729 के कभी भी आपको स्क्वायर रूट निकालना है फर्स्ट फाइंड आउट प्राइम फैक्टर्स 729 के हमें प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं ये 9 से भी डिविजिबल है बट 9 इज़ नॉट अ प्राइम फैक्टर सो आई विल डिवाइड बाई 3 3 2 are 6, 3 4 are 12, 3 3 are 9, again divide by 3, 3 8 are 24, 3 1 are 3, and then again divide by 3, 3 2 are 6, 3 7 are 21, then 3 9 are, and then again by 3, and you are getting 3 6 times here. So I will write down 729. Is equals to 3 into 3 into 3 write down 6 times and then take square root both side when you are going to take a square root aapko square root ka sign aise lagana hai 729 pe aur right hand side pe bhi aapko square root ka sign lagana hai 3 into 3 into 3 into 3 into 3 into 3 And then pair बन के ये single term बाहर आ जाएगा square root के Then I can write down 3 into 3 into 3. So the square root of 729 is 3 3s are 9, 9 3s are 27. मतलब आपको वो number निकालना है जिसको दो बार multiply करके 729 आएगा But आपको two times नहीं लिखना one time लिखना है Fine? क्वेश्चन नंबर फाइव फर्स्ट पार्ट 252 दे आर सेइंग कि इस नंबर को किससे मल्टीप्लाई करें सो दैट इट बिकम्स अ परफेक्ट स्क्वायर सो 252 को पहले आप वही है मेथड प्राइम फैक्टर्स निकालो 2 से डिवाइड करेंगे 2 वन ज़ा 2 2 टू ज़ा 4 2 सिक्स ज़ा 12 एंड अगेन 2 सिक्स ज़ा 12 2 थ्री ज़ा 6 देन विथ 3 3 टू ज़ा 6 3 वन ज़ा 3 Then you will divide by 3, 7 is a, and then 7 ones are 7. So find out factors, write down 252 factors, prime factors aap likhoge. 2 into 2 and 3 into 3 and 7. यहाँ आप clearly देख सकते हो कि 2 का pair है, 3 का pair है, but 7 का pair नहीं है. Then I will multiply by 7. Write down multiply by 7 both sides. So I will write down 252 into 7 and on right hand side also 2 into 2 into 3 into 3 into 7 into 7. And when you are multiplying, here 7 2 is 14, 1 carry, 7 5 is 35, 36, 7 2 is 14 and 14 plus 3. Is 17 and here also you are getting 2 into 2 into 3 into 3 into 7 into 7 now take square root both sides if I am taking a square root 1764 on right hand side also square root 2 into 2 3 into 3 into 7 and then ये पेयर बन के रूट से बाहर आ जाएगा देन आई कैन राइट डाउन 2 इंटू 3 इंटू 7 2 3 से 6 6 7 से 42 इट मीन्स द स्क्वायर रूट ऑफ 1764 इज 42 नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 6 थर्ड पार्ट इन दिस केस दे आर सेइंग बाई विच नंबर यू शुड डिवाइड 396 टू मेक अ परफेक्ट स्क्वायर एंड हैंस फाइंड द स्क्वायर रूट तो यहाँ भी आपको 396 के फैक्टर्स बनाने हैं 3 वन ज़ थ्री 3 थ्री ज़ नाइन एंड 3 टू ज़ सिक्स देन डिवाइड बाई 2 2 सिक्स ज़ 12 2 सिक्स ज़ 12 अगेन डिवाइड बाई 2 यू आर गेटिंग 33 देन अगेन 3 And finally, you are getting 11. So the factors of 396 are 3 into 3. 3 you are getting 2 times.
एंड टू इज ऑल्सो यू आर गेटिंग टू टाइम्स एंड वन मोर 11. नाउ थ्री इज कमिंग इन अ पेयर, टू भी पेयर में है बट 11 पेयर में नहीं है. सो आई विल राइट डाउन डिवाइड बाय 11 एंड यू हैव टू डिवाइड बाय 11 बोथ साइड्स. 396 अपॉन 11 एंड 3 × 3 × 2 × 2 × 11 अपॉन 11. इफ आई एम डिवाइडिंग 396 बाय 11 माई आंसर इज 36 और यहाँ 11 से 11 कट हो गया 3 × 3 × 2 × 2. नाउ टेक स्क्वायर रूट 36 एंड अंडर रूट ऑफ 3 × 3 × 2 × 2. इट विल कम आउट ऑफ द स्क्वायर रूट, पेयर बन के सिंगल टर्म बाहर आएगा. सो आंसर इज 3 × 2 एंड इट इज 6. इट मीन्स द स्क्वायर रूट ऑफ 36 इज 6.